हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। सुबह की शुरुआत हो चुकी है मॉर्निंग वॉक के साथ। हल्का हल्का अभी उजाला हुआ है, 5:15 बज रहे होंगे, एक चक्कर लग चुका है। और देखिए कितना बढ़िया मौसम हुआ है, कितने सारे लोग खेलने, वॉक करने, दौड़ने आए हैं। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी ना, अभी बज रहे हैं 5:05, बस वॉक पर निकले ही है घर से थोड़ी दूर पर हैं। आज हम अकेले वॉक पे इसलिए जा रहे हैं क्योंकि आज सबकी थी छुट्टी, पद्देव की नहीं थी। छुट्टी उनकी भी थी लेकिन कभी कभार छुट्टी के दिन भी ऑफिस खुल जाता है, और बच्चों की आज छुट्टी थी तो हमने किसी को परेशान नहीं किया। सुबह उठे, दवा खाई, मंजन ब्रश किया और फिर निकल चुके हैं वॉक पे। हमने सोचा आज किसी को परेशान नहीं करेंगे। हल्का हल्का उजाला हो जाता है, जब उजाला हो तो डर नहीं लगता है। अच्छा, आजकल कुत्तों से भी बहुत डर लगता है, रास्ते में इतने सारे कुत्ते रहते हैं ना, डर लगता है। हमारी कॉलोनी में एक लोग को कुत्ता भी काट लिया था तो डर लगता है, कहीं कुत्ते रास्ते में बैठे रहे, अंधेरा हो देख के भौंकने लग जाते हैं, तो ये दिक्कत होती है। आजकल ना बहुत ही ज़्यादा कुत्ते काट रहे हैं, सुनाई दे रहा है, कई बार हमें सुनाई दिया, मतलब यही कॉलोनी में, कि कुत्ता काट लिया, कुत्ता काट लिया। कुत्ता काटने में सुई लगती है। सबसे ज़्यादा क्या होती है ना कि कुत्ता काटने का बहुत ही ज़्यादा मतलब डर भी रहता है, इन्फेक्शन फैल जाता है सारे शरीर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो सुबह हो जाने पे जाते हैं। दूसरी बात ये भी थी ना कि आज छुट्टी थी तो दो कारण थे। कभी कभार छुट्टी नहीं होती तो सिर्फ आधे घंटे, 40 मिनट, 50 मिनट की वॉक हो पाती है। टाइम की कमी होती है क्योंकि बच्चों का सुबह सुबह स्कूल होता है। हालाँकि जब बच्चों का टाइम बदल जाएगा, थोड़ा सा लेट हो जाएगा स्कूल, लेट से हो जाएगा स्कूल ना, तो टाइम मिल जाएगा वॉक करने के लिए। फिर सोचते हैं चलो ठीक है, जो टाइम मिल रहा है उसी का आनंद उठाते हैं, वॉक पर निकल जाते हैं। बहुत ही बढ़िया मौसम सुबह सुबह हुआ था। आंधी पानी ऐसे आती है ना, जब गर्मियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो अक्सर आंधी पानी शुरू हो जाता है मई महीने से। जितने भी आम फरे होते हैं ना, सारे के सारे गिर जाते हैं कच्चे। घर लौट के आने के बाद सबसे पहले ये बर्तनों को लगाना होता है क्योंकि ये बर्तन रात के धुले होते हैं, तो इनको सबसे पहले अपनी जगह पे लगा देना होता। तो मैंने सोचा चलो यहीं से शुरुआत कर देते हैं, सारे बर्तन सबसे पहले इनको अपनी जगह पे लगा देते हैं। और यहाँ पे स्लैब खाली हो जाएगा, टोकरी भी खाली हो जाएगी, टोकरी नीचे रख देते हैं आराम से, और यहाँ पे फिर अपना काम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बर्तन लगा के अपने लिए जीरा वाला पानी गर्म किया है, इसको सिप सिप करके पियेंगे। जीरे को रात में ही ये कांच वाला जो ग्लास है इसमें रख देते हैं। आप स्टील के बर्तन में कोई भी ऐसी चीज़ या प्लास्टिक के बर्तन में ना ही जीरा वाटर बनाए ना ही कोई, तो आप कांच के ग्लास में ही बना के रखें। जैसे यहाँ पे कुछ बादाम भी गुना हुआ, काजू भी गुना हुआ, तो ये सारी चीज़ें मैं कांच के ग्लास में ही रखती हूँ। तो यहाँ पे अपना पानी गर्म करके रख दिया है, और तब तक हम अदरक, चाय, चीनी, चाय की पत्ती चढ़ा देते हैं, चाय हमारी बनती रहेगी। आज सबकी सब लोग साथ में ही चाय पियेंगे क्योंकि आज हमने बच्चों के लिए अलग से नाश्ता नहीं बनाया है। जब बच्चों का स्कूल होता है ना तो फटाफट से दूध वाला नाश्ता बना के दे दो तो वो लोग खा के चले जाते हैं। चाय बनने में टाइम लगती है, फिर गरम गरम पीने में भी टाइम लगता है, तो चाय यहाँ पे रख दिया है। जब तक हमारी चाय बन रही है तब तक हम अपना पानी सिप सिप करके पी लेते हैं, एक ग्लास ये जीरा वाला। आप लोग कहते हैं कोई चीज़ नुकसान तो नहीं करती, आज तक हमें कोई चीज़ नुकसान नहीं की है। जैसे हमने अजवाइन और दालचीनी वाला पानी पिया है वो भी नहीं नुकसान किया। जीरा तो फिर भी फ़ायदेमंद है, जीरा की तासीर गर्म नहीं होती है, सौंफ भी गर्म नहीं होता, लेकिन अजवाइन और दालचीनी की तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। तो यहाँ पर हमारी चाय बन चुकी है, बिस्किट निकाला है, सबको चाय सर्व कर देंगे अपना। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने, कौन कौन चाय पीता है। भैया हमने तो छोड़ रखी है चाय पीना बिल्कुल ही, चीनी और चाय सब कुछ छोड़ दिया है, और बहुत ही अच्छी बात है कि चाय छूट गई। वरना व्रत व्रत रहो ना तो चाय पीने की बहुत ही ज़्यादा तलब होती है, अब चाय पीने की आदत छूट गई है। तो बस चाय बना के सबको दे दिया है, आज कपड़ा धोने के लिए लगाया था, हालांकि मौसम सही नहीं था, सारे कपड़े फैलाने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हुई कि पूछो मत, पूरा कपड़ा अंदर फैलाया। लेकिन अब सारा कपड़ा इकट्ठा हुआ था तो धुलना भी ज़रूरी था, तो हमने सोचा चलो सबसे पहले अपने कपड़े लगा देते हैं। ऐसे कपड़े जिस कलर छोड़ रहे थे हमने सोचा उनको बाद में डालेंगे, पहले वो कपड़े धुल लेते हैं। जैसे बच्चों का ड्रेस हुआ, और बच्चों का ड्रेस ही सबसे ज़्यादा हो जाता है, और 2-3 दिन के कपड़े हमने भी इकट्ठा किए थे। और मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही थी, एनर्जी डाउन, तो मैंने 5 बादाम भिगो के रखा था, उसको छीला, उसको खाया, उसके बाद झाड़ू पोछा किया। फिर से किचन में आ चुके हैं, यहाँ पे पनीर के लिए मसाला बना रहे हैं। सबसे पहले खड़े मसाले डाले हैं, उसके बाद इसमें लहसुन, मिर्ची, प्याज और जो काजू भिगो के रखा था उसको, अदरक भी डाल दिया है। इन सबको अच्छे से भूनेंगे। भुना हुआ जो मसाला होता है पनीर का बहुत ही बढ़िया होता है। साथ में हमने 2 टमाटर ऐड कर दिए हैं, बस इसमें थोड़ा सा नमक डाल के इसको ढक देना है, ये पकता रहेगा। जब तक हमारा मसाला तैयार हो जाएगा तब तक हम पूजा पाठ का काम निपटा लेते हैं अपना फटाफट। पूजा करने के बाद एक प्लेट अंगूर लेके बैठे ही थे गौरी आगे, कह रही मम्मी इतना ज़्यादा अंगूर नहीं खाते, एक बार में 20 से ज़्यादा अंगूर नहीं खाते।
हमने कहा चलो भाई यार तुम्हारी बात मान लेते हैं, 20 अंगूर खाते हैं। 20 अंगूर खाया तो मुझे राहत नहीं मिली। हमने सोचा अरे 10 अंगूर और दे दो, तो हमने आज 30 अंगूर खाया। गौरी बता रही थी कि इतने में इतनी कैलोरी होती है। मैंने कहा तुमको कैसे पता? उसने बताया कि हमारी बुक में लिखा हुआ, पढ़ती है ना, तो उसकी बुक में लिखा है कि 20 अंगूर से ज़्यादा नहीं खाते एक बार में। तो हमने 20 अंगूर लिया था पर मेरा काम नहीं हुआ, फिर हमने 10 लिया तो 30 अंगूर खाया। और यहाँ पर जो मसाला हमने बनाया था पनीर के लिए, मसाला पीस लेते हैं सबसे पहले ग्राइंड में डाल के। इसमें बहुत ही बढ़िया पनीर की सब्जी बनती है इस मसाले से, ज़्यादा भुनना नहीं होता क्योंकि ये मसाला भुना होता है। थोड़ा सा पानी डाल के बस इसको पीस लेना, इसमें खड़े मसाले ऐड हैं, मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है, बाकी मसाले भी ऐड करेंगे। आज पनीर मसाला भी ख़त्म हो चुका है और मुझे याद भी नहीं आया कि मैं मंगा लूँ। वैसे भी नॉर्मल मसाले से ही पनीर बन सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है पनीर मसाला रहे तो ही पनीर बने अच्छी। और यहाँ पे चावल बड़े वाले आज हमने सोचा चलो बना देते हैं, ये रखे रखे हैं, कभी बनता नहीं है, छोटे वाले चावल ही अक्सर बनते हैं। तो इसमें हमने डाला है सब्जी मसाला, थोड़ा सा इसमें डाला है मीट मसाला, थोड़ा सा किचन किंग डाला है, हल्दी डाली है, कसूरी मेथी डाली है। हाँ मीट मसाले में ऐसा कुछ नहीं होता मीट वीट, वो नॉर्मल मसाले में आप सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। बस मीट मसाला क्या होता है ना, थोड़ा सा तेज़ ज़्यादा होता है जैसे नॉर्मल मसाले की अपेक्षा। और यहाँ इसमें हमने कढ़ाई गर्म की है तो तेल डाला है इसमें, खड़े मसाले में सिर्फ डाला है इसमें तेज़पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा, सबको तड़का देके उसके बाद इसमें मसाले ऐड कर दिया है। मसाले को ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको थोड़ा सा भूनना है क्योंकि मसाले को पहले ही भूना था ना प्याज वाज को। और मटर, मटर का इसमें कुछ पता ही नहीं चल रहा था, मटर 2 पैकेट होती तो ज़्यादा होती। हमने सोचा चलो भाई मेरा भी पनीर खाने का बहुत मन हो रहा था कई दिनों से, तो हमने सोचा मटर का इंतज़ार नहीं करते हैं, नहीं तो पनीर बेकार हो जाएगी, पहले पनीर बना लेते हैं। जितनी भी मटर आई है उतने से ही काम चला लेते हैं, यही रहेगा ना कि मटर थोड़ी सी कम रहेगी बस पनीर ज़्यादा रहेगा। और अच्छी बात है पनीर ज़्यादा रहे तो बढ़िया लगता है। और पनीर के जो है चौकर चौकर टुकड़े हमने कर लिए हैं, बहुत छोटे छोटे नहीं करते, पिद्दी पिद्दी से बड़े बड़े टुकड़े रहते हैं तो खाने में भी अच्छे लगते हैं। पहले पनीर को फ्राई करके बनाते थे लेकिन अब कुछ दिनों से 2-3 बार से पनीर को फ्राई नहीं करते, बस इसको ऐसे ही डाल देते हैं। अच्छा लगता है, कच्ची पनीर भी डाल के बनाओ तो बहुत बढ़िया लगता है। ठंडी में भी बनाए थे इस बार और आज भी बना रहे हैं। तो बस मसाले के साथ मटर भी हमारी पक चुकी है अच्छे से, ग्रेवी भी पक चुकी है। इसमें ऐड कर देते हैं पानी, गर्म पानी सबसे पहले ऐड करेंगे और जो जार में मसाला लगा था ना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, उसको धुल करके इसमें डाल देते हैं और इसको अब पकने देते हैं पानी को। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, पका हुआ पानी है, उबला हुआ पानी है ग्रेवी में, तो टाइम बहुत कम लगता है, झटपट बनकर तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर चावल ऐड कर देते हैं कुकर में, पानी डाल करके इसको भी सीटी लगने के लिए रख देते हैं। सबकी छुट्टी है तो कोई जल्दबाजी नहीं है, लेकिन ये होता है खुद का होता है ना कि जल्दी से काम ख़त्म करो, और भी बहुत सारे काम रहते हैं करने को, एक काम तो है नहीं। तो बस यहाँ पे चावल भी रख देते हैं, सब्जी भी रख देते हैं और सब्जी हमारी बनती रहेगी, इसमें देखते रहेंगे। बाहर भी कपड़े सुखाने का काम हो रहा है, चलाने का काम हो रहा है, निकालने का काम हो रहा है, ये नहीं कि किचन में हाथ दो ही हैं लेकिन काम बहुत सारे हो रहे हैं। आज कपड़े डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई क्योंकि बारिश हो रही थी। और यहाँ पे हमारी सब्जी की ग्रेवी पक चुकी थी तो हमने इसमें पनीर ऐड कर दिया है। पनीर ऐड करके इसको 5 मिनट तक अभी धीमी धीमी आंच पे पकने देते हैं, उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। हमारी पनीर बन करके तैयार हो चुकी है बढ़िया, ऊपर से हरी धनिया की पत्ती डाल दो बढ़िया, और पुलाव के साथ रोटी के साथ इंजॉय करो। ये देखिए घर में कैसे किस तरीके से कपड़े डाले गए, इधर 2 तार इसलिए बांधे गए थे क्योंकि बारिश होती है ना तो बारिश में कपड़े अंदर ही पड़ते हैं। बारिश होएगी, बरसात के मौसम में 2-2 दिन 3-3 दिन बरसात होती रहती है। आज ये कार्टून वाला चद्दर निकाला, ये बहुत पहले चद्दर जब बच्चे छोटे थे ना तब ले आए थे तो इसको कभी बिछाते नहीं। अच्छा अब आजकल क्या हो रहा है ना, हल्के कलर की चद्दर डाल दो बेड पे तो सब लोग गंदा कर देते हैं, इसलिए हल्के कलर की बहुत ही कम डालते हैं। तो यहाँ पे हमारी पनीर लग रही है ना बढ़िया टिमटिम, स्वादिष्ट इतना था कि पूछो मत। और उसके साथ हमने यहाँ पे थाली लगाई है, थोड़ा सा चावल भी लिया है, एक रोटी ली है, चटनी ली है, सलाद ढेर सारा लिया है, एक कटोरी सब्जी ली है। तो बस अब हम लंच करेंगे, सारा काम हो चुका है ख़त्म। पद्देव जी आज कह रहे थे ये बिल्लियों की तरह मट्ठा पीना कब से सीख लियो, हमने कहा कि मट्ठा जो होता है ना हमारा आधा पेट तो मट्ठे से फूल हो जाता है और जब पानी की ज़रूरत होती है तो लास्ट में हम मट्ठा पी लेते हैं, इससे हमारा पेट भर जाता है और सलाद रहता है। एक रोटी आज कल ले रहे हैं गेहूँ की, और 2 रोटी खाने की ज़रूरत नहीं होती, इतना सारा सलाद होता है, सब्जी होती है, मट्ठा होता है, तो इससे पेट भर जाता है। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और महाकाल की कृपा आप सभी पर हमेशा बनी रहे। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30 और किचन का काम, खाना पीना का काम, कुकिंग कर दिया है, सबको खाना खिला दिया है, खुद भी खा लिया है 12:30 बजे। आज हमने ज्यादा कुछ खाया नहीं था तो मुझे भूख लगी थी, रात में हमने कुछ भी नहीं खाया था। रिकवच आया था हमारी कॉलोनी में, बगल में बनता है रिकवच ना, तो मेरे घर भी आता है, तो रात को रिकवच खाया था, फिर जीरा पानी पिया था सोते समय,
और डिनर कुछ नहीं किया था, तो मुझे सुबह भूख लग जाती है, एकदम एनर्जी डाउन हो जाती है, ना तो काम करने का मन करता है, ना फिर चलने का, ना ही किसी से बात करने का। जब दोपहर में लंच करती हूँ तो फिर से एनर्जी आती है, फिर से बोलने का मन होता है। आज मौसम इतना प्यारा हुआ, इतना ठंडा हुआ है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही, जब वॉक पे गए थे ना, इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी कि क्या बताएं, और बारिश भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। और सबसे बेकार बात तो ये है कि आज हमने कपड़े धुल दिए, मुझे पता नहीं था कि ऐसा मौसम होगा, और इकट्ठा कपड़े बटोर के रखे थे तो मैंने सोचा धुलना भी जरूरी है, तो बस मशीन लगा दी थी। हालांकि कपड़े अंदर डाले गए हैं, सूख जाएंगे 2 दिन में बड़े आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आपको पता ही है कि ये 2 कमरे इतने छोटे छोटे हैं, तो फिर इतने सारे कपड़े रख दो ना तो ऐसे पूरा कमरा भरा भरा सा लगता है। फिलहाल बर्तन धुल लिया है, सबको खाना वाना खिला दिया, खुद भी खा लिया है, चलते हैं थोड़ा सा बाहर बैठेंगे हाते में, मौसम का आनंद लेंगे, बारिश हवा का। और अभी पानी नहीं पिया है, आधे घंटे हो चुके हैं, तो मैं पानी पीऊंगी उसके बाद। आज मौसम ठंडा है तो प्यास भी कम लग रही है, हालांकि खाना खाते समय, खाना खाने से पहले छाछ पी लेते हैं, खाना खाने के बाद भी छाछ पी लेते हैं, तो पानी बहुत कम, मतलब प्यास लगती है, लेकिन 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद 1 घंटे बाद, मतलब एक एक घंटे के अंतराल पे एक एक ग्लास पानी पी लेते हैं। कुल मिला के कहना ये है कि दिन भर में 3 लीटर पानी हर हाल में पी लेना है, रात तक ले रात तक, जैसे सुबह खाना खाने से पहले 1 गिलास पी लेते हैं, फिर खाना खाने के 40 मिनट बाद पी लेते हैं, तो ऐसे ऐसे करके 3 लीटर पानी कम से कम शरीर में होना चाहिए पूरे दिन में, क्योंकि हम खाना ही खाते रहते हैं, पानी पे ध्यान ही नहीं देते। बाकी फ्रूट खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए, खाना पीना भी हेल्दी खाना चाहिए। और हाँ, आज बहुत दिनों बाद पनीर की सब्जी बनी, 3 दिन कहा कि पनीर नहीं आ रहा है, पनीर खाने का मन है, तो कल पद्देव जी गए थे मार्केट तो बिना कहे पनीर और मटर ला दिए थे। अच्छा, मुझसे पूछते तो मैं बताती कितना मटर लगेगा, तो उन्होंने पनीर तो आधा किलो लाए थे, लेकिन मटर जो है सिर्फ 200 ग्राम लाए थे, 1 पैकेट लाए थे। तितली आई है मेरे घर के अंदर, तो मटर की क्वांटिटी कम थी, पनीर की ज्यादा। हालांकि मैंने बनाया, बहुत ही बढ़िया बना था मटर पनीर, सबने खाया, और बढ़िया। बच्चे खेल रहे हैं, आज सबकी छुट्टी है, पद्देव का छुट्टी नहीं है, ऑफिस गए हैं, सिर्फ बच्चों की छुट्टी है। मैं भी चलती हूँ, थोड़ी देर आराम करती हूँ बाहर बैठ के थोड़ा सा, और कुर्सी लगा के थोड़ा सा मौसम देखती हूँ, इंजॉय करती हूँ, ठंडी ठंडी हवा लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ सीधा शाम को। अभी बज रहे हैं शाम के 4, बच्चों की छोटी मोटी भूख के लिए यहाँ पे केला, और ये जो एक दिन हमने बना दिया था ना, बच्चों को बहुत पसंद आया था, बादाम डाल के केला बनाना शेक। तो यहाँ पे बादाम को हमने 15 से 20 बादाम लिया है, इसको भिगो दिया है, 3 केला लिया है। चाहे तो आप इसमें थोड़ा सा जो वो होता है खजूर होती है उसको भी ऐड कर सकते हैं मीठे के लिए, लेकिन केला इतना ज़्यादा मीठा होता है, इसमें अलग से स्वीटनेस, यानी चाहे तो आप हनी भी ऐड कर सकती हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। मुझे नहीं लगता इसमें चीनी उनी ऐड करने की ज़रूरत होती है, हनी उनी, क्योंकि वैसे भी ये बहुत मीठा होता है। जब बच्चे पी लेते हैं तो बड़े बड़े आराम से ही पी लेंगे। तो बस इनको पीस दिया है, ग्राइंड कर दिया है, इसके बाद इसको ग्लास में सर्व कर दिया है, ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ बादाम डाल दिया है। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होता है, ठंडा ठंडा होता है, पेट को बहुत ही ज़्यादा देर तक फुल रखता है और ठंडक देता है। और हाँ, केला आप बड़े आराम से खा सकते हैं, जैसे कुछ लोग कहते हैं केला दूध साथ में खाने से मोटापा बढ़ता है, ऐसा कुछ नहीं है, मोटापा नहीं बढ़ता है। हर चीज़ का पोर्शन कंट्रोल करके हम खाएँगे तो मोटापा हमारा कभी बढ़ेगा ही नहीं, या फिर मोटापा कभी आएगा ही नहीं। सब हमारी क्या आदत होती है ना, हमें जो चीज़ें अच्छी लगती हैं ना, हम उसे इतना ज़्यादा खा लेते हैं, मतलब ओवर ईटिंग कह सकते हैं आप, ये कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा वजन जो है बढ़ता चला जाता है। फूल कितने सुंदर लग रहे थे, पहले यहाँ पे पेड़ होते थे ना, बहुत सारे ऐसे फूल खिले होते, लेकिन पेड़ की छटैया हो जाती है, कटैया हो जाती है, तो फूल दिखते ही नहीं है। शाम की वॉक बहुत अच्छी लगती है सबके साथ, क्योंकि वॉक कम होती है, बातें होती हैं ज़्यादा, सबकी बात सुनती रहती हूँ, मैं कुछ बोलती नहीं हूँ, बस सबकी बात सुनती हूँ, हाँ मैं हाँ मिलाती हूँ, और मेरे पास कोई ऐसी बातें नहीं होती करने के लिए। वैसे बातें तो मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, लेकिन जब सब लोग बातें करते हैं तो मैं चुपचाप सबकी बातें सुनती रहती हूँ। और हाँ, आवाज़ को म्यूट इसलिए कर देती हूँ, क्योंकि हम सबकी आपस की बातें होती है ना, सबको सुनना ज़रूरी नहीं होता, इसलिए मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, और हम सब आपस में कुछ ना कुछ अपना इधर उधर की बातें बतियाते रहते हैं। कभी ऐसा तो होता नहीं कि जब मेरी बातें होती तो मैं आप लोगों के लिए सुनाऊं, बाकी सबकी बातें सुनाना ज़रूरी नहीं है। वाक से लौट चुके हैं और रात का डिनर हमने किया नहीं है, बस अपने लिए गर्म किया है पानी, पानी पियेंगे सिप सिप करके, और आज का ब्लॉग यहीं पेंट करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें, हंसते मुस्कुराते।